सो गाइज, ये आप लोग जानते क्या है, इस हेयर पैक से आपकी बालों में जो बाल्डनेस की समस्या है, मींस एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है, वो कम्प्लीटली खत्म होने वाली है। क्योंकि ये पैक है ही एक मैजिकल हेयर पैक, क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किया है आपके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके एलोपेशिया की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से जड़ से क्योर करने का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेजमेंट। मैं हूँ सीमा। फाइनली मैं आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा बातों को लंबा चौड़ा और बढ़ा करके बोलने की आदत नहीं है मेरी, तो मैं आप लोग को आज टॉपिक पे आ जाती हूँ। बातों को लेकर के ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, छोटी वीडियो बनाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों को उसके बेनिफिट्स मिले। क्योंकि आप लोग भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए और हमारी फैमिली के लिए देते हैं। जो आप 1 मिनट आकर के हमारे चैनल पर वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे लिए 10 मिनट निकालते हैं, 5 मिनट निकालते हैं, और हमारे लिए आप एक कमेंट्स छोड़ कर जाते हैं हमारे चैनल पर, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत दिल से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप उस वीडियो को एकदम से वॉच कर पाएं, एकदम से आप उस चीज को कर पाए, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई चीजें नहीं है तो आप मंगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी समय उस चीज को बनाकर ये यूज करें। तो आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट हम लोगों का एलोपेशिया ट्रीटमेंट रहेगा, जिसमें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि आप लोग एलोपेशिया की अगर प्रॉब्लम है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे करके अपने बालों में एक्सटेंशन ना कराएं, आप लोग अपने बालों में पीआरपी ना कराएं, पीआर, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर आज शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग बाहर में जाकर के इन सब चीजों पे पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि वो जो चीजें हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बालों की जो रिजल्ट्स हो अच्छे हो, तो कम से कम 6 महीने का टाइम आप लीजिए और टाइम दीजिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो चुकी हो और अगर आपके एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से क्योर हो सके। साथ में आज से शुरू कर रही हूँ मैं आप लोगों का एलोपेशिया ट्रीटमेंट, जो कि 1 मंथ का होगा। इसका एप्लीकेशन अगर मैं शेयर कर पाऊंगी तो हमारे ब्लॉग चैनल पर जाएगा, सीमा ब्लॉग पे, तो आप लोग उसको वॉच कीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बाहर में जाके एक्सटेंशन करवाएं, एक्सटेंशन बिल्कुल बेस्ट नहीं है आपके बालों के लिए। जिनकी बालों की ग्रोथ नहीं होती है, जो लोग एक्टर हैं, जो लोग मॉडलिंग करते हैं, जो लोग इंडस्ट्री में हैं, है ना, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बालों पे इन सारी चीज़ों को थोप करके बैठे और उसके बाद से वो अपने जो शूट करते हैं या जो भी काम करते हैं वो उस चीज़ के लिए टाइम निकाल पाए, ठीक है। एक्सटेंशन उनके लिए है जो लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो लोग इन सब चीज़ों पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। वेस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फालतू में पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आपके आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, बट आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन में आपके जो आपके माइक्रो बॉल्स आपके बालों में लगाई जाती हैं, माइक्रो रिंग्स लगाई जाती हैं, वो परमानेंट आपके बालों में रहती है और जब आपके बालों की लेंथ बढ़ती है ना तो वो नीचे खिसकना शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में बताया हुआ है, बिकॉज मेरे इस चैनल पर कमेंट आया हुआ था कि फाइनली मैंने अपने बालों का एक्सटेंशन करवा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, करने से फर्क पड़ता है। अगर आप आटा गूंथ कर रख दोगे तो क्या रोटी अपने आप बन करके आपके मुंह में तो नहीं जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत जहां होती है वही रिजल्ट्स आते हैं, और जो ये रिजल्ट्स हैं ये आपको पूरे लॉन्ग टाइम तक, बुढ़ापे तक आपको काम देंगे, ठीक है। मैंने अपने बालों में लिया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर, ठीक है, और मैंने ये कलर खुद से बनाया हुआ है घर पे, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, कॉफी पाउडर का यूज किया हुआ है मैंने। तो मैं आप लोगों के सामने ये जो हेयर कलर है शेयर कर दूंगी जब मैं आप लोगों के सामने तीज मेकअप लुक शेयर करूंगी, ठीक है ना। अभी हरतालिका तीज आने वाली है 9 तारीख को, तो उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिनको करना वो कर सकते। तो आप लोगों से मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि घर की चीजें यूज करें, बाहर की चीजें ना यूज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा आप हरी सब्जियां खाएं, नट्स खाएं, आप यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स लें, क्योंकि हर एक चीज आपके बालों के लिए मैटर करती है। डाइट है, हेयर केयर रूटीन है, आपका मॉर्निंग वॉक है, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, हर एक चीज आपके बालों के लिए और आपके स्किन के लिए मैटर करती है, ठीक है। तो आप लोगों को आज की जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ वो ये वीडियो है कि अगर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एलोपेशिया की प्रॉब्लम जो है आपकी वो धीरे 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 करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर वहाँ पर बाल नहीं आ रहे हैं तो बाल आना शुरू हो जाएंगे। हम आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाले हैं आपके जो पोर्स बंद हो चुके हैं उनको खोलने की एक ऐसी आयुर्वेदिक लेप जो कि आपके बालों के लिए और आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है वो वही लगाएंगे, नहीं, ये सभी लोग लगा सकते हैं। बेस्ट रेमेडी है मेरा रीग्रोथ हेयर लेप है ये, जो एलोपेशिया को ट्रीट करेगा, बाल्डनेस की समस्या को ट्रीट करेगा, रीग्रोथ करेगा,
थिन हेयर की समस्या है आपको, उसको भी ठीक करेगा। ब्रॉड हेयर लाइन की समस्या, उसको भी ठीक करेगा। आपकी स्कैल्प को क्लीन करेगा, क्लींजिंग का इफेक्ट देगा, जिससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी, सुंदर और घने होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस रीग्रोथ हेयर लेप को, आयुर्वेदिक लेप को कैसे प्रिपेयर करना है और किन चीजों का मैंने इसमें यूज किया है, उसके बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना। सो गाइज, इस रीग्रोथ हेयर लेप को आपके बाल्डनेस की जो समस्या है, एलोपेशिया की जो समस्या है, जहाँ बाल आ नहीं रहे हैं, वहाँ के लिए हमें क्या लेना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आपका अनियन सीड कलौंजी लिया हुआ है, पाउडर फॉर्म में बनाकर मैंने रखा हुआ है इसको, और मैं को जब यूज़ करना था तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको जो नेक्स्ट पाउडर लेना है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, बहुत मेन है, ठीक है। दसमोला आपका एक बहुत ही बढ़िया पाउडर है, ऑर्गेनिक, और आयुर्वेद में बहुत टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है। ये पाउडर आपको लेना है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप इसको सुबह में खाली पेट पीते हैं, पानी में, एक कप पानी में गर्म करके, तो आपका जो वेट बढ़ रहा होता है बहुत तेज़ी से, या पेट निकल रहा होता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या गैस की प्रॉब्लम होती है, या फेस पे आपके रिंकल्स आते हैं, या फेस पे दाने पड़ जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से ठीक करता है। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारा करी लीफ पाउडर है, ये भी मैंने आपका बाहर से मंगाया हुआ है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ। करी लीव्स का पाउडर बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को काला करने का काम करता है, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आपका आंवला पाउडर। आंवला पाउडर की गुडनेस तो आपको जितनी भी बता दी जाए उतनी कम है। आंवला पाउडर इज़ द बेस्ट फॉर हेयर के लिए, जो कि आपके बालों को बहुत ही जल्दी से घना, मोटा, लंबा और काला भी बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पाउडर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शीकाकाई का पाउडर। शीकाकाई पाउडर भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे पाउडर मैंने ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे पाउडर्स का यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पाउडर होते हैं। कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेयर के लिए यूज़ होते हैं, कम से कम उसमें आपके 32 ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं इससे पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपके कौन से 32 ऐसे हर्ब हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और मेरे पास सारी चीज़ें हैं भी, मैं आप लोग के साथ में किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से हर्ब आपके बालों को थिक, घना और मोटा बनाते हैं। इस लेप का काम है कि आपकी जो पोर्स बंद हो चुके हैं, जहाँ पर बाल नहीं है टकले पर, वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेप को आपको रात में प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे बालों में काला इफेक्ट भी आए, कि आपके बाल जो जड़ से आए वो काले भी होना शुरू हो जाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लोहे की कढ़ाई में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह उठकर इसको आप लगाएंगे, ठीक है। इसके जो रिजल्ट्स हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। इसको आपको बहुत ही कम चीज़ों से बनाना है। देखो, जब चीज़ें आपको रिजल्ट्स दे रही हैं तो आप उस चीज़ को मंगा करके यूज़ करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, और अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते तो आपका पैसा जो होता है वसूल हो जाता है, ठीक है। तो जिनको भी एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें लेकर के आएँ और बनाना शुरू करें चीज़ें, और यूज़ करना शुरू करें। आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगी कल आपका हेयर टोनर जो एलोपेशिया को ट्रीट करेगा और नए बेबी हेयर लेकर आएगा, आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाटर की जगह ब्लैक टी का यूज़ कर सकते हैं, आप चावल का पानी यूज़ कर सकते हैं, फर्मेंटेड फेन्युग्रीक का वाटर यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा फर्मेंटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ आप यूज़ करते कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, जिससे कि ना ये पैक क्या है, फूलता है, जब वो फूलता है तो ये पानी जितना होता है सारा सोख लेता है। तो आपको भी ये इस तरीके से इसमें पानी डालना है कि इसको बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके स्कैल्प में जो डैंडरफ की समस्या होती है ना, उसको तो दूर करता ही करता है, और ईचिंग की जो समस्या है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं, तो अगर आप इसको एक घंटे के लिए भी लगा कर रखते हैं तो भी आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा जो पैक है, फाइनली रीग्रोथ हेयर लेप बनकर रेडी है, इसको आप लोग लगाइएगा। पैक बोल सकते हैं, रीग्रोथ लेप बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक लेप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। सो गाइस, देखा आपने, हमारा जो रीग्रोथ हेयर लेप है वो बनकर के रेडी हो चुका है, इसको आपको यूज करना है। ये आपके स्कैल्प में जाकर जो आपके पोर्स बंद हो चुके हैं, वो जो स्कैल्प आपकी जो चिकनी हो चुकी है उसको खोलने का काम करेगी, और वहां से रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये जो पैक है आपका, इसमें हमने कोई भी एसेंशियल ऑयल का यूज नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो आप यहाँ पर 10 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और 10 ड्रॉप्स आपका जिंजर एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की आप 20 ड्रॉप्स मिला करके ऐड करेंगे, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको इसको क्लीन बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, और आप चाहें तो 2 दिन के लिए ऑयल रखें और तीसरे दिन हेयर वॉश के 1 घंटे पहले इसको लगा लें, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है आपका पोर्स को ओपन करने के लिए आपका एक रीग्रोथ आयुर्वेदिक लेप, जो एलोपेशिया को भी ट्रीट करता है और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि कैसे इस चीज़ को बनाना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसको आप लोग यूज़ कीजिएगा, जो फीडबैक आएंगे वो शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा हेयर टोनर का, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हेयर टोनर लेकर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैक इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको स्कैल्प पहले अपनी क्लीन करनी है, पोर्स ओपन करने हैं, उसके बाद से जब आप कोई चीज़ करोगे इस पर तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके आपके 8 या 7 पार्ट होंगे, मैं जैसे जैसे होगा मैं आप लोग सामने शेयर करती जाऊँ, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।